नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में तपती गर्मी के बीच लोगों को बड़ी राहत मिली है, जिसके तहत ही बीते कुछ दिनों से बिहार का मौसम बेहद ही सुहाना बना हुआ है। साथ ही मौसम में हुए बदलाव के बाद से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिल रही है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश का मंजर देखने को मिला है। पटना समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हुई बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। राजधानी का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं 37.8 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर डेहरी रहा। वहीं पटना में 11.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सिवान के सिसवन में सर्वाधिक 56.6 डिग्री बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार उत्तर दक्षिण ट्रफ लाइन पूर्वी बिहार से उत्तरी आंध्र प्रदेश से झारखंड और ओडिशा की तरफ गुजर रही है। इसके प्रभाव से प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश उत्तरी, दक्षिणी पूर्व भाग, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व भागों के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ ही हल्के से मध्यम स्तर की बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का पूर्वानुमान है। राजधानी और इसके आसपास क्षेत्रों में 2 दिनों तक मौसम सामान्य बना रहेगा। शनिवार को मेघ गर्जन, बिजली चमकने और हल्की बूंदाबांदी का पूर्वानुमान है। इन सभी मौसमी प्रभाव को देखते हुए 2 दिनों तक बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार में अब प्री मानसून के दौरान बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने के साथ ही समय से राज्य में मानसून आने का संकेत भी मिल रहा है। प्रदेश में मानसून को समय पर आने को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से अभी तक कोई सूचना जारी कर पूर्वानुमान और मौसम के वर्तमान हालात को देखकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि 10 से 12 जून के बीच में प्रदेश में मानसून आगमन की अनुकूल स्थिति मिल रही है। वहीं पिछले साल 11 जून के बीच में प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी थी। मानसून की पहली बारिश पूर्णिया में 13 जून को हुई थी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के 16 जिलों में ब्लू जोन में इसमें तब्दील किया गया है, जहां सामान्य से काफी अधिक बारिश अभी तक दर्ज की गई है। इसमें कटिहार, भागलपुर, नवादा, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा, पटना, अरवल, भोजपुर, बक्सर, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, लखीसराय वो जगह है जहां पर सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। इन 16 जिलों में भारी बारिश हुई है। वहीं पूर्वी चंपारण और वैशाली को रेड जोन में रखते हुए यहां पर सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो प्री मॉनसून सीजन में प्रदेश में सामान्य रूप से 16% अधिक बारिश दर्ज की गई है। बिहार में प्री मॉनसून के दौरान सामान्य बारिश अब तक 67.7 मिलीमीटर का रिकॉर्ड किया गया। वहीं इस बार 78.8 मिलीमीटर बारिश प्रदेश में दर्ज की गई है। अन्य जिलों में हुई बारिश की बात करें तो सिवान के सिसवन में 56.6, पटना में 11.8, मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में 51.8, दरभंगा के बेनीबाद में 42, लखीसराय के सूर्यगढ़ा में 38.8 मिलीमीटर, कटिहार के बरारी में 35.4, शेखपुरा के अरियारी में 34.4, पूर्णिया में 32.8, बक्सर के सिबरी में 32.2, नवादा में 28.2, भागलपुर के बिहपुर में 22.4, भोजपुर के संदेश में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं विभिन्न जिलों में बारिश दर्ज करने के साथ ही कई जिलों का तापमान भी तेजी से नीचे की तरफ लुढ़का है। मौसम विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पटना, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सुपौल, फारबिसगंज, पूर्णिया, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि नगर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद अब लोगों को उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में तपती गर्मी का एहसास उन्हें नहीं करना होगा और मॉनसून भी इस बार वक्त पर आएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।